फ्री प्रेस विद्युत वितरण का समय बदलने हेतु किसान पहुंचे विद्युत विभाग। नमस्कार, मैं हूं निर्मला वशनारिया और आप देख रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित एकमात्र डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए कुकड़ेश्वर की विशेष बड़ी खबर। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, जो कि बिजली के कारण ही प्रदेश में सरकार पर काबिज हुई थी, आज वही सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। जहां मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाली मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में किसानों को 10 घंटे बिजली दे रही, वह भी प्रतिदिन दो टुकड़ों में, जिसमें भी गौर धांधली कर असमय दी जा रही है, जिसका विरोध कर आम किसान परेशान होकर प्रदेश सरकार को कोस रहा है। उक्त तानाशाही के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस व किसानों ने कुकड़ेश्वर बिजली विभाग पहुंचकर सुपरवाइजर आशीष कटिक को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप रोदवार व पूर्व मंडी प्रतिनिधि नंदलाल मालवी, ओम प्रकाश बानपिया, गोविंद बिलोदिया, मुकेश जिगर, राजू दास बेरा की, गीसालाल जाट, कारूलाल सरपंच, बलवंत कीची, रिंकू बानपिया, राकेश कलवाड़िया, हरिशंकर तंबोली, मातालाल टोड़ावाल, महेश पार्षद, गुड्डा दामनिया, गोकुल वशनारिया व कई किसानों ने देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले की मनासा तहसील के अंतर्गत कुकड़ेश्वर के विद्युत वितरण ग्रामीणों से दो दिन पूर्व शेड्यूल बदला व विभाग द्वारा चार्ट जारी किया, जिससे आम किसानों में भारी रोष व्याप्त होकर प्रदेश सरकार को कोस रहे हैं। कुकड़ेश्वर विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाली विद्युत ग्रिड डंडेड़ी हाड़ी पिपलिया कुकड़ेश्वर रूपपुरा बदाना में किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए व पान किसानों को पान की खेती में पानी पिलाने के लिए वर्तमान में 10 घंटे बिजली देने का दावा है। ज्ञापन देकर शेड्यूल के हिसाब से या फिर प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक एवं दूसरे एरिया में 1 से 7 बजे तक विद्युत सप्लाई दिया जाए एवं रात्रि में भी इसी प्रकार देवे, साथ ही डिप्पी पर लोड सेट कर समय पर पूरी आपूर्ति देवे। उक्त अवसर पर किसानों के साथ ही ब्लॉक कांग्रेस ने विद्युत वितरण कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि दो दिन में अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो हमें मजबूरन किसानों के हित में विद्युत विभाग के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी विद्युत वितरण कंपनी की होगी। ज्ञापन का वाचन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप रोदवार ने किया व सभी का आभार नंदलाल मालवी ने माना। सुपरवाइजर आशीष कटिक ने सभी को आश्वासन देते हुए बताया कि मैं आपकी मांग को उच्च अधिकारियों को भेजकर यथासंभव सहयोग करूंगा। कुकड़ेश्वर नगर की खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। मतलब में यहाँ पे किसान लोग आए हैं, किसान लोग ये विद्युत सप्लाई का जो शेड्यूल है उसको परिवर्तन करने के संबंध में यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि ये सप्लाई का टाइमिंग चेंज किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में इस शेड्यूल से किसान लोग परेशान है? ये शेड्यूल जो समय सारणी है ना, ये हमारे विद्युत विभाग के ऊपर से ही डिसाइड होती है और जो इनकी समस्या है उसको हम अपने वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंचा देंगे। कुकड़ेश्वर क्षेत्र में जितने भी आपका क्षेत्रफल है उसमें वास्तव में लोग यहाँ पे डिप्पी के माध्यम से या जो तार के माध्यम से या पोल के माध्यम से ज्यादा प्रताड़ित है और बहुत सी शिकायतें जन चर्चा में है, तो कैसे आप निदान करेंगे इसका? इसका निदान ये है कि सभी उपभोक्ताओं से हम संपर्क करेंगे, जो भी आता है उनसे इनकी शिकायतें आवेदन के रूप में लेते हैं, उसके बाद उसको अपने कंपनी नियम अनुसार वरिष्ठ कार्यालय को भेजते हैं। तो क्या माना जाए कि आज ये किसान जो एक उम्मीद और आश लेकर आपके पास आए थे, कितने दिन में इनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी शेड्यूल के माध्यम से? ये हमारे जो कुकड़ेश्वर वितरण केंद्र की कार्रवाई है वो अति शीघ्र पूर्ण कर दी जाएगी ना। जितने भी आवेदन आते हैं उनको एक रिकॉर्ड में रखा जाता है और ऑर्डर के मतलब जो क्रमांक के अनुसार उसको भेजा जाता है। तो अनुमानित एक समय कितना माना जाए? अनुमानित समय तो हमारे यहाँ से तो अति शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि कृषि सीजन का समय है अभी, तो उसमें भी फोकस करना है और इसमें भी अति शीघ्र हम करवा देंगे। जी, आपका नाम और पद? मेरा नाम आशीष खटिक है, कनिष्ठ यंत्री कुकड़ेश्वर वितरण केंद्र।